एडवोकेट बताएंगे क्या हुआ फाइनल। फाइनल ये है कि उसकी बेल की एप्लीकेशन पे हियरिंग ट्यूसडे को होगी और पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी की मांग की है उसका फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा। वो आप लोगों को आज आदिल के वकील ने बेल एप्लीकेशन की थी, उसकी सुनवाई थी और सरकार की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से फ्रेश रिमांड की मांग की गई है, एप्लीकेशन की गई है कि पुलिस वालों को पुलिस कस्टडी मिली नहीं थी, इसके लिए उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन किया है ताकि इन्वेस्टिगेशन, अभी कुछ हुआ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने वापस से पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए उसकी एप्लीकेशन की है, जिसका फैसला अभी थोड़ी देर में होगा और उसकी जो बेल एप्लीकेशन थी उसकी हियरिंग ट्यूसडे को रखी गई है। अच्छा, तो मतलब बेल अभी ना रिजेक्ट हुआ है, ना रिजेक्ट हुआ है ना मिला है, उसकी हियरिंग होगी ट्यूसडे को, ट्यूसडे के बाद जो भी फैसला आएगा ट्यूसडे के बाद ही पता। हमें सबूत रखे ही नहीं गए हैं पुलिस स्टेशन में, अभी सबूत हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है पर वो सबूत अभी पुलिस स्टेशन में दिए गए हैं कुछ और बहुत सारे देने बाकी है, अभी जज साहब के सामने कोई सबूत रखे नहीं गए हैं इसलिए उनको पता। पुलिस में, पुलिस स्टेशन में सारे सबूत है पुलिस के पास, जज साहब तक अभी तक वो सबूत पहुँचे नहीं है, यू नो अभी तक पहुँचे नहीं है, तो जज साहब सारे सबूत देखेंगे तब वो डिसीजन लेंगे ना। मुझे नहीं पता, मैंने तो सारे सबूत दिए, लॉ मैं जानती नहीं हूँ, कोर्ट कचहरी मैं जानती नहीं हूँ, मेरी एडवोकेट है और सारे सबूत उन्होंने पेश किया है, उन्होंने अभी दलील दी है जज साहब को, उनके आदिल के वकील उनको से बेल दो कह रहे थे, बट मेरी एडवोकेट ने फाइट किया है कि सर एक बार सबूत देख लो आप, मेडिकल देख लो, सर्टिफिकेट देख लो, वो लड़ी हैं। पीसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज यू नो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, अगर पीसी नहीं हुई है तो वेल कितना उम्मीद रख रहे हैं। प्रोसीजर्स है, प्रोसीडिंग्स है, अब पुलिस ने अपना काम कर दिया है, एप्लीकेशन कर दी है, वापस से रिमांड मांगी है, अब वो जज साहब पे डिपेंड करता है वो क्या फैसला करते हैं और उसके बाद फिर पुलिस डिसाइड करेगी, अगर उनको पीसी नहीं मिलती है तो आगे वो क्या कार्रवाई करेंगे, वो पुलिस के हाथ में। हम हमारी तरफ से सारी चीज़ें रख रहे हैं, आदिल भी और पुलिस, आदिल खुद चाह रहे थे कि जिस दिन वो, तो मैंने रात में पूछा क्यों मिलना है, मतलब कि मुझे सुबह आके मैं मिलूँगा, तो मैंने कहा ठीक है, तो वो आए घर पे और जो कुछ भी हुआ फिर पुलिस को पता है। वो कहीं से जानकारी मिली थी कि वो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में जब था उसके पास फ़ोन था। हाँ, दोनों फ़ोन, ये हमें दोनों फ़ोन उसी के पास थे, आईफोन, हाँ दोनों आईफोन उसी के पास थे। अब वो पुलिस जो भी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो बताएंगे कोर्ट में फ़ोन थे या नहीं थे। हमें जानकारी मिली थी कि वो फ़ोन यूज़ करता था और उसको तनु को कॉल्स लगाता था, ये जानकारी है, हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते बट हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि दोनों फ़ोन उसके पास थे ड्यूरिंग कस्टडी। फिर वो जब आथर रोड गए तब उसके पास से फ़ोन हट। वेल उस टाइम पे जब यू नो उनको हिरासत में लिया गया था वो आपको बैक टू बैक कॉल कर रहे थे, ऐसा आपका बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगा, मैं ये सब करूंगा, किसी औरत के साथ मैं कोई नाजायज संबंध नहीं रखूंगा। मैंने कहा मैं कैसे बिलीव करूँ तुम, मैं आखिरी बार मैं अल्लाह की कसम खाऊँ, मैंने नहीं अब अल्लाह की कसम मत खाओ, तुम बहुत बार कुरान की कसम खा चुके हो और वादे तोड़ चुके हो, अब मत खाओ, मैं नहीं बिलीव करती तुम पे, मैं तुम पे विश्वास नहीं करती। उनके माँ बाप को आना चाहिए, उनके माँ बाप को आना चाहिए, उनके माँ बाप ने भी उनको कितनी बार बोला है, हालांकि उनके माँ बाप को भी सब कुछ पता है और अभी वो उनके माँ बाप भी बहुत गलत स्टेटमेंट दे रहे मेरे खिलाफ, बहुत ज़्यादा गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनकी माँ मेरे पास आया है कि मैंने एक रुपया भी यहाँ पे लेकर, आदिल नहीं आए थे वो गिर वो 1 करोड़ रुपया लेकर आया था, कहाँ से 1 करोड़ लाया था, तो मुझसे 1.5 करोड़ क्यों लिया, मेरे पास तो बैंक का स्टेटमेंट है। क्या हुआ एडवोकेट बताएंगे क्या हुआ फाइनल। फाइनल ये है कि उसकी बेल की एप्लीकेशन पे हियरिंग ट्यूसडे को होगी और पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी की मांग की है उसका फैसला थोड़ी देर में आ जाएगा। वो आप लोगों को आज भी लाइक दिल में उनके लिए कैसी, देखिए मेरा, मैं शादीशुदा आज भी हूँ जी और मेरे दिल में प्यार भी है, लेकिन जो क्रूरता और जो उन्होंने मुझे सताया है वो मैं भूल नहीं सकती। तो मैंने पूछा हाउ इज़ ही, थैंक यू सर।